नमस्कार दोस्तों, टॉप गैलेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जयपाल सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एमपीपीएससी मेंस के लिए 3 नंबर वाले प्रश्नों को हल करने की रणनीति के बारे में डिस्कस करूंगा। लगभग 15 महीने बाद आप सभी से मुलाकात कर रहा हूं। कुछ व्यक्तिगत वजहों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब कंटिन्यू पहले की तरह मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मेरे वीडियो से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप मुझे इस जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। साथ ही मेरे प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमपीपीएससी मेंस 2019 और एमपीपीएससी मेंस 2020, इन दोनों परीक्षाओं में 3 नंबर वाले प्रश्नों का बहुत अधिक महत्व होता है। यह सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप सभी को जानकारी होगी कि एमपीपीएससी मेंस में 6 पेपर होते हैं, GS 1, 2, 3, 4, जनरल हिंदी और ऐसे। तो ऐसे पेपर को छोड़कर बाकी सभी पेपर में आपसे 3 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपकी सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा 3 नंबर वाले प्रश्नों के साथ खास बात यह है कि जब आप 3 नंबर वाले प्रश्न का सही व सटीक उत्तर लिखते हैं तो आपको 3 में से 3 अंक मिलने की संभावना अधिक रहती है। अन्य प्रश्नों के साथ यह संभावना बिल्कुल नगण्य होती है, क्योंकि जो आपसे अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह 6 नंबर में हो या 15 नंबर में, तो इन प्रश्नों का उत्तर सही व सटीक लिखने पर आपको पूरे में से पूरे अंक मिलने की संभावना नगण्य होती है। जबकि अगर आप 3 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर सही व सटीक लिखते हैं तो आपको 3 में से 3 अंक ज़्यादातर स्थिति में मिल सकते हैं। इसके अलावा 3 नंबर वाले प्रश्नों के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रश्नों की अधिकांश तैयारी एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम के दौरान ही हो जाती है। एमपीपीएससी प्री में जो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, वह 3 नंबर वाले प्रश्नों को हल करने के काम आती है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है और एमपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, उसके टॉपिक लगभग लगभग मिलते हैं। तो आप जब एमपीपीएससी प्री की तैयारी करते हैं तो वह तैयारी आपके मेंस में भी काम आती है, ख़ास तौर पर 3 नंबर वाले प्रश्नों के साथ। अब बात करते हैं कि 3 नंबर वाले प्रश्नों का आंसर लिखते समय आपको किन बातों पर ध्यान देना है। तो उसमें पहला है कंटेंट। तो आप जो 3 नंबर वाले प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो उस आंसर में जो आपका कंटेंट होगा वह डिमांड के अनुसार होगा, यानी क्वेश्चन में जो आपसे डिमांड की जाएगी उसी के अनुसार आप अपना कंटेंट देंगे। तो यहाँ आपको इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई रूल फॉलो करना है। दूसरा इसमें आता है स्पीड। स्पीड से यहाँ मतलब है आपकी राइटिंग स्पीड से। तो आपकी राइटिंग स्पीड इस प्रकार होनी चाहिए कि आप समय का प्रबंधन कर सकें, साथ ही आप सभी प्रश्नों को हल कर सकें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके जो GS 1, 2, 3 होता है वह पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होता है। तो पार्ट ए में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 नंबर से, और पार्ट बी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 नंबर से। तो आपको इन प्रश्नों को हल करने के लिए प्रत्येक पार्ट में आपको 15 से 20 मिनट का टाइम देना है, तभी आप समय का प्रबंधन कर सकेंगे। तो आपको अपनी राइटिंग स्पीड इस प्रकार रखनी है कि आप समय का प्रबंधन कर सकें, साथ ही 3 नंबर वाले प्रश्नों को आराम से हल कर सकें। साथ ही अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप उसको बिल्कुल छोड़ कर आएँ, क्योंकि अगर आप जो आपसे डिमांड की जाती है उसके विपरीत अगर आप कुछ भी लिख कर आते हैं, जिसको आप आम भाषा में गप कहते हैं, तो इसका आप जो परीक्षक है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपसे जो पूछा जाता है आपको वही लिखना है, और आपको कोशिश करनी है कि आप 15 में से 12 या 13 प्रश्नों को सही व सटीक करके आएँ, तभी आप एक सेफ जोन में होंगे, यानी सिलेक्शन के दौर में होंगे। तो आपको याद रखना है कि आपको डिमांड के अनुसार ही अपना कंटेंट देना है,
और ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है ताकि परीक्षक पर आपका नकारात्मक प्रभाव पड़े। तीसरा इसमें आता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आपको अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है और जो आपके आंसर में जो कीवर्ड्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है, साथ ही आप कीवर्ड को बॉक्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंसर में हेडिंग का यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं, पॉइंट का यूज कर सकते हैं, साथ ही आवश्यकता अनुसार डायग्राम या मैप का भी यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो आंसर है वह अच्छा दिखेगा और परीक्षक पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको 3 नंबर वाले प्रश्न का आंसर लिखते समय कंटेंट, स्पीड और प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि 3 नंबर वाले प्रश्न जो आपसे एमबीबीएस मेंस में पूछे जाते हैं वह किन किन रूपों में पूछे जाते हैं। तो जनरली आपसे 3 या 4 रूपों में 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है परिभाषा के रूप में। तो परिभाषा के रूप में जब आपसे आंसर पूछा जाए तो आपको परिभाषा प्लस एक एग्जाम्पल लिखना है और इसको लिखना है आपको पैराग्राफ रूप में। आगे मैं सभी रूपों का एक एक आंसर आपको दिखाऊंगा तो आप निश्चिंत रहें। अगला रूप है अंतर के रूप में। तो जब अंतर के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाए 3 नंबर में तो आपको वैसे ही लिखना है अंतर के रूप में जो आप अभी तक लिखते आए हैं। परंपरागत रूप से आपको इसमें 3-4 मुख्य बातें रखनी हैं। अगला रूप है नाउन के रूप में। तो नाउन के रूप में आपसे किसी व्यक्ति, स्थान, संगठन या घटना के बारे में पूछा जाएगा और इसका आंसर लिखते समय आपको 3 या 4 सटीक छोटे छोटे पॉइंट लिखना है। और याद रखना है कि पॉइंट में लिखते समय आपको सेंटेंस पूरा नहीं लिखना है, केवल कीवर्ड लिखने हैं आपको। और इस प्रश्न में आप आवश्यकता अनुसार डायग्राम या मैप भी छोटा सा बना सकते हैं। अगला रूप है फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो आपसे इसमें सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी या कोई फैक्ट पूछा जाएगा तो आपको जो पूछा जाता है केवल वही लिखना है। अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रत्येक रूप में आपको किस प्रकार आंसर लिखना है। तो जब आपसे परिभाषा के रूप में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको वह इस प्रकार लिखना है। जैसे इसमें पूछा गया है कि सामाजिक न्याय क्या है, तो आप सबसे पहले सामाजिक न्याय लिखकर इस प्रकार बॉक्स बनाएंगे ताकि यह थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे परीक्षक को। और आपको सामाजिक न्याय की एक पैराग्राफ में परिभाषा लिखनी है और एक कोई अच्छा अगर आपको पॉइंट याद आ रहा है तो आप वह भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, केवल कीवर्ड लिखना है। इसके अलावा आप उदाहरण लिखेंगे, जैसे कि आरक्षण के माध्यम से भारत में सामाजिक न्याय स्थापना का प्रयास किया जाता है। तो अगर परिभाषा के रूप में आपसे 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको वह इस प्रकार लिखना है। अब हम बात करते हैं अगले रूप के बारे में। तो अगर अंतर के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको वह इस प्रकार लिखना है। जैसे कि यहाँ मैंने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर लिखे हैं तो आपको 3 या 4 अंतर लिखने, यहाँ मैंने 6 अंतर लिखे हैं तो आप इस प्रकार छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हैं। आपको यहाँ केवल कीवर्ड लिखने हैं और जो मुख्य बातें हैं उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अंतर में अगर आपसे 3 नंबर में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। अगला रूप है इन्फॉर्मेशन या फैक्ट के रूप में। तो इसमें सीधा सीधा आपको जो पूछा जाता है आपको वही लिखना है। जैसे इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम बताइए। यह एमपीपीएससी की पुरानी क्वेश्चन है जिनको मैंने लिया है, यह कोई नए क्वेश्चन नहीं है। तो आप देख सकते हैं पुराने पेपर्स एमपीपीएससी के, तो उन्हीं में यह प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें आप सीधा लिख सकते हैं, इसमें इसने पूछा है कि आप 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम बताइए, तो आप सीधे 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम लिख सकते हैं। और जैसे पूछा गया था कि कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, तो इसमें आप सीधा लिख सकते हैं अर्थशास्त्र, क्योंकि उसने सीधा आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी है, फैक्ट मांगा है। तो आप इसमें अगर फैक्ट लिखेंगे तो आपको इसमें भी 3 नंबर मिलेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगला है नाउन के रूप में। अगर आपसे नाउन के रूप में प्रश्न पूछा जाता है तो आप वह इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि यहाँ आर्गन गैस के बारे में लिखा है
तो आर्गन गैस से रिलेटेड 3 या 4 मुख्य पॉइंट आप लिखेंगे और जो कीवर्ड है उनको आप अंडरलाइन या वक्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य प्रश्न है लक्षद्वीप, तो इसमें आप लक्षद्वीप से रिलेटेड 3 या 4 मुख्य पॉइंट लिखेंगे और आवश्यकता अनुसार एक छोटा मैप भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 नंबर वाले प्रश्न लिखते समय आपको जो 3 मुख्य बातें याद रखनी है उसमें है कंटेंट, स्पीड और प्रेजेंटेशन। तो इसमें आप स्पीड के अंतर्गत आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आपको मैप बनाना है, तो आप इन बातों को ध्यान रखें। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको 3 में से 3 अंक मिलने के पूरे चांस रहेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने चर्चा की कि MPPSC मेंस में 3 नंबर वाले प्रश्नों का क्या महत्व है और 3 नंबर वाले प्रश्नों को लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जाना कि MPPSC मेंस में किस प्रकार के रूप में 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आपको इन प्रश्नों को लिखना है। अगले वीडियो में चर्चा करूँगा कि जो MPPSC में लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं उनको आपको किस प्रकार लिखना है। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें, बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के रूप में लॉन्ग आंसर लिखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो कि MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।